हे गाइस, वेलकम यू ऑल अगेन टू स्टडी सिविल। माय सेल्फ जीएस नरुका। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पिट्ठू जो गेम है, जिसको जनरली जो मतलब जब हम खेलते थे सितौलिया बोला जाता था, ठीक है, अभी भी बहुत से जगह पे सितौलिया बोला जाता है, उस गेम को अपने स्पोर्ट्स कैलेंडर में ऐड कर दिया गया फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, फॉर द कॉलेज स्टूडेंट। और किस एकेडमिक ईयर के लिए? 2024-2025 के लिए। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंगल पेज पीडीएफ है, इसमें ये करंट अफेयर कवर हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही प्यारा काम किया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जो हम खेलते थे बचपन में, जैसे गिल्ली डंडा हुआ, सितौलिया हुआ, ठीक है, लगड़ी हुआ, लगड़ी आई थिंक आपने खेला होगा, ऐसे करके बॉक्स बनाते थे ना इस तरह से, और फिर उसमें ऐसे कूद कूद के हम जाते थे, फिर घर बना लेते थे, वो वाला गेम। तो ये जब नेशनल लेवल पर जाने जाएंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, हमारे देश का नाम होगा, हमारे हमारे देश भी कई सारे ऐसे गेम्स हो जाएंगे जो कि इंटरनेशनल इंटरनेशनली जाने जाएंगे। जैसे कि देखो, कबड्डी, कबड्डी का जो प्रमोशन हुआ ना, वो बहुत जबरदस्त हुआ, बहुत अच्छा लगा, और कबड्डी के आजकल बहुत लोग फैन बनते जा रहे हैं, बहुत लोग खेलते हैं। ऐसे ही जब तक हम अपने ट्रेडिशनल गेम्स को रिवाइव नहीं करेंगे, अपने करिकुलम में नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये इन गेम्स को इंटरनेशनली ज़्यादा लोग नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए एमपी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है, हमें नेशनली भी इसको अच्छे से प्रॉपर फैसिलिट करना चाहिए लड़कों को, लड़कियों को, ताकि वो इस गेम को और ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकें। और ये देखो, ये एक आउटडोर गेम है, ठीक है, इसमें क्या होता था कि जैसे ये सात स्टोन दिखे हैं, सात स्टोन होते थे ऐसे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रख दिए जाते थे, और ये बच्चा, इसको एक बॉल रहती थी, बॉल से इसको मारेगा, इनको गिराएगा, इसकी जो टीम मेंबर्स रहेंगे इनको क्या करना होता है, इनको इनको फिर से स्टेक करना होता था, फिर से रखना होता था अपनी जगह पे ऐसे के ऐसे, और जो दूसरे अपोजिट टीममेट थे वो क्या करेंगे, बॉल को लेके इनको मारेंगे, ठीक है, इनको मारेंगे। अगर ये स्टेक करने से पहले, जमाने से पहले ही इन पे बॉल लग गई, जिन्होंने ये गिराया है, तब वो आउट हो जाएगी, फिर दूसरी टीम के मेंबर का नंबर आएगा। ये इस तरह से हम इस गेम को खेला करते थे। आजकल तो काफी सारे रूल्स बन गए हैं, तो आई होप सो कि आपको ये गेम याद आ गया होगा, आप लोगों ने बहुत खेला है। अब इस गेम को मैं आपसे क्वेश्चन यहां पे ये पूछना चाहता हूं कि आपके स्टेट में इस गेम को क्या बोला जाता था, या आपकी जगह पे इस गेम को क्या बोला जाता है, जगह का नाम और इस गेम का नाम आप दोनों ही लिख के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब अदर नेम्स देखो, इसके वैसे बहुत सारे नेम है, विकीपीडिया वगैरह पे देखोगे एक डेडिकेटेड पेज है पिट्ठू नाम से, और कहीं कहीं पिट्टू भी लिखा है, देखिए पिट्टू PITTU, और कहीं कहीं पिट्ठू लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब सही है। तो इसको सेवन स्टोन्स भी बोला जाता था, लागोरी इंटरनेशनल, इसको लागोरी थोड़ा सा ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, सेवन स्टोन्स और लागोरी, और हमारे यहाँ सितौलिया और एक ये पिट्ठू, ये चार नाम तो मैंने यहीं पे बता दिए, ठीक है, फिर भी आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे जरूर बताइएगा। अब इससे हमें फायदा क्या है कि बच्चे फिजिकली स्ट्रांग होंगे। दूसरा, जो एमपी गवर्नमेंट का एम क्या है कि ये जो ट्रेडिशनल गेम है ये लॉर्ड कृष्णा से जुड़ा हुआ है, जिसको कहाँ मेंशन किया गया, भगवत पुराण। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पिट्ठू गेम है वो कहाँ पे मेंशन है, तो भगवत पुराण में ये मेंशन है, या किस गॉड से रिलेटेड है, तो आपको लिखना है लॉर्ड कृष्णा। ओके, अब गेम स्ट्रक्चर रूल्स जनरली ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी ये यहाँ पे बना दिया है। और देखो, यहाँ पे जो गेम है ना, इंटरनेशनल लगोरी फेडरेशन एक बनाई गई है, ओके, वो इसके रूल्स वगैरह सेट करती है। तो ये रूल्स आपके यहाँ पर है कि 26x14 मीटर का फील्ड रहेगा, उसमें दो टीमें रहेंगी, और दोनों टीमों के पास सिक्स सिक्स प्लेयर्स रहेंगे, 10-10 मिनट के दो राउंड्स होंगे, कितने, 10-10 मिनट के दो राउंड्स, और फिर तो वही के गिराना है और उसको डिफेंड करना है, और क्या बोलते हैं, जब तक स्टेक को जमा देना है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है और क्या इसके पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो ये है कि सबसे पहले तो ये इंडियन ऑरिजिन का गेम है, कहाँ, इंडियन में भी, सदर्न साइड में इसका ऑरिजिन हुआ था। एमपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉर्ड कृष्णा को इससे रिलेट कर रही है, लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने, मैंने आपको जैसे कि ऊपर बताया कि लॉर्ड कृष्णा इस गेम को खेलते थे, ठीक है, अपने जो होते हैं ना ग्वाल वगैरह थे जो दोस्त थे उनके साथ, तो एमपी की जो हेरिटेज है, कई ऐसी साइट्स हैं जो कि लॉर्ड कृष्णा से जुड़ी हुई हैं, उनको इससे कनेक्ट करके इनका प्रमोशन करेगी, और बच्चों को फिजिकल एजुकेशन भी मिलेगा, दैट्स अ गुड थिंग। और इस गेम का जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किया था अपनी मन की बात की स्पीच में, जनवरी 2021 में, ठीक है। और इसका देखो, नेशनल गेम 2023 में जो कि गोवा में हुआ था, ठीक है, पणजी गोवा, वहां पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था, ओके, कि ये गेम ऐसे ऐसे खेला जाता है। और इसका 2015-16 में एक वर्ल्ड कप भी हुआ था, लगोरी वर्ल्ड कप, फिर भी इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता इस गेम को। और अभी एट प्रेजेंटली 30 नेशंस, अप्रोक्स 30 नेशंस, जैसे कि ईरान हुआ, ठीक है, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सारे इस गेम को खेलते हैं, ओके, ऐसे 30 नेशंस हैं। अब इंटरनेशनल लगोरी फेडरेशन का ऑलरेडी बता दिया मैंने कि ये इसके रूल्स वगैरह सेट करते हैं। अभी ऑफिशियल मैच इंडिया के अंदर कौन ऑर्गेनाइज करता है, अमेच्योर लगोरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक नेशनल बॉडी है। अगर किसी को स्टेट लगोरी फेडरेशन सेटअप करना है तो इससे परमिशन लेना पड़ेगा, और अभी तक 24 स्टेट्स में स्टेट लगोरी फेडरेशन सेटअप हो चुका है, ओके। और सबसे लास्ट पॉइंट कि जो इंटरनेशनल लगोरी फेडरेशन है वो 2010 में बनाया गया था, जो कि जिसके 17 कंट्रीज अभी मेंबर हैं,
17 कंट्रीज मेंबर है। और द फर्स्ट चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन भूटान, और सबसे पहले जो चैंपियनशिप थी लगुरी की या सितौलिया की वो कहाँ हुई, भूटान में हुई थी, कब, जून 2013 में, ऑफिशियली ये माना जाएगा, ऑफिशियली ये माना जाएगा, जिसमें कि 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही बचकानी चीज आपको बता दूँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे, कि कांग्रेस यहाँ पे क्या बोल रही है कि आप बच्चों को पत्थरबाज बना रहे हो, बीजेपी से, बीजेपी से कांग्रेस बोल रही है कि आप बच्चों को पत्थरबाज बना रहे हो इस गेम को इंक्लूड करके। मतलब यार आई डोंट गेट इट्स लॉजिक। देखो मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, मैं ना वो कर रहा हूँ, बस मेरा इस जब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मेरा इस गेम से जुड़ा हुआ है, मैं बचपन में बहुत खेला ये गेम, तो यार ये गेम इंटरनेशनल जाना जाना चाहिए, ठीक है। अब बीजेपी जब कांग्रेस ऐसे बोलती है ना तो गलत लगता है, उनके एक स्पोक्स पर्सन ने तो मतलब पत्थरबाज बनाना चाह रहे हो कि क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग बीजेपी से, ठीक है, क्या ये इस गेम को तो इंटरनेशनली जाना ही नहीं जाता। अब एक बात बताइए, जब किसी गेम को प्रमोट ही नहीं करेंगे तो उसको इंटरनेशनली कैसे जाना जाएगा। मतलब कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि ये गेम ओलंपिक्स में नहीं खेला जाता। ओके, ओलंपिक्स में क्या हमेशा से हर गेम खेला जाता था? जब तक किसी गेम को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक वो गेम कैसे ओलंपिक्स में खेला जाएगा? इट्स अ गुड गेम, ओके, और बड़ा मजा आता था पीठ सेकने में, पीठ मतलब जो बैक होती थी ना उस पर ही तो बॉल मारते थे, और जब हम खेलते थे तो जनरली आजकल तो टेनिस बॉल से भी बच्चे खेलते हैं, बट कपड़े की एक बॉल बनाते थे क्योंकि टेनिस बॉल खरीदने के तो पैसे होते नहीं थे, ठीक है, तो कपड़े की ऐसे कर करके एक बॉल बना ली जाती थी, जिससे बहुत मजेदार हम खेला करते थे और आप भी खेलिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यार, थैंक यू वेरी मच, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी, ओके।